एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है, और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद दिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था, और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है, जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है, और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई, इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए जगत गुरु की संकल्पना पर वो साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बरबर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए, समूचे देश की ओर से अनेक भूतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं, और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक भूतात्माओं को, अनेक महामानवों को जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन,